आज है 29 जनवरी संडे, इतवार का दिन। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह काम जो है मुसलसल जारी है, कंटिन्यूस काम जारी है। और जो कल जो काम छपाई का जारी था उस पर भी हम नज़र डालेंगे। और आज क्या हो रहा है, आज ही की मिस्त्री रहे हैंगे हुए होंगे, क्योंकि आज एक मिस्त्री को ही लगाने का इरादा था। और मंदिर की तरफ जाएंगे और ऊपर आप देख सकते हैं कि ये दीवार का लोही थी, और जो जो ये है धारे मारे गई है, तो उस पर जो है अभी का ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी हुआ है, ये अभी काम हुआ है। जिस पर धारे धारे लगी है, यहाँ तक कल हुआ था, जिस पर धारे धारे लगी है वो टाइल्स के लिए रहती है, टाइल्स लगेंगी। और इसका जो है ये तो पहले ही हो गया था, बाथरूम वगैरह मतलब ये डक का जो एरिया है वो पूरा हो गया है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रेती कल आना शुरू है, यानी ये हिस्सा आज हुआ है, और इसके ऊपर का जो है डिज़ाइन के ऊपर का कल हुआ था। और हम ऊपर की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। के ऊपर क्या क्या काम जारी है। बाथरूम का एरिया, हम ऊपर की तरफ ढक्की और जाली के नीचे से भी आप देख सकते हैं। और हम दूसरे रूम में एंटर कर चुके हैं, उसी डक के जरिए और खिड़की के जरिए पैक किया जाएगा। और ये इंजीनियर ऑफिस आप देख सकते हैं, लिफ्ट वगैरह। और ऊपर की तरफ हम जाएंगे, देखेंगे कैसा लग रहा है। और काम जो है वो जारी है। और ये स्टोर रूम, और ये डिज़ाइन का एरिया, और एक मिस्त्री साहब यहाँ पे मौजूद जो कि काम को जारी रखेंगे। और पीछे का हिस्सा, और ये साइट जो है 1500 स्क्वायर फुट की साइट है, जहाँ सर रवेश खान का इंजीनियर ऑफिस रहेगा, डॉक्टर खान का दवाखाना रहेगा। ये साइट जो है 1500 स्क्वायर फुट की साइट है, जहाँ सर रवेश खान का इंजीनियर ऑफिस रहेगा, डॉक्टर खान का दवाखाना रहेगा। ये साइट जो है अब्दुल्ला पैलेस के सामने है, ये पैराडाइज रोड जिससे सिर्फ 90 मीटर की दूरी पर है। ये रोड जो है लेफ्ट साइड की तरफ VMV पंचवटी होते हुए नागपुर हाईवे को टच होता है, राइट साइड की तरफ 250 मीटर की दूरी पर वलगा रोड को टच होता है। ये वलगा रोड लेफ्ट साइड की तरफ इतवार बाजार राजा बटो, राइट साइड की तरफ MP रोड वलगा वगैरह आता है। और गैबुश्वर लीले सलाम की जो दरगाह वहाँ से साइड क्लियर दिखती है, ये साइड से गैबुश्वर लीले सलाम की दरगाह भी क्लियर दिखती है। ये साइड जो है अमरावती शहर में है। बने रहे फिर हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।